फ्यूरियस 2017 मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ रूसी सैनिकों को देखते हैं जो जंगल में शिकार के लिए यात्रा कर रहे होते हैं और उनके साथ दो बच्चे भी होते हैं जिनमें लड़की नाश्तिया घोड़े पर बैठकर यात्रा कर रही होती है और उसे बांसुरी बजाना काफी पसंद होता है। वहीं दूसरा लड़का होता है जिसे नाश्तिया प्यार से कोलो व्रत बुलाती है और कोलो व्रत आगे चलकर एक सोल्जर और प्रिंस का बॉडीगार्ड बनना चाहता है। तभी कमांडर खोस्ट्रोविल की मंगोली सेना रूसियों पर हमला कर देती है और हमले में नाश्तिया की बांसुरी घोड़े से गिर जाती है। तभी कोलो व्रत नाश्तिया को वहां से जाने के लिए कहता है और शहर जाकर मदद मांगने के लिए कहता है और नाश्तिया वहां से घोड़े पर सवार होकर शहर की तरफ चली जाती है। वहीं मंगोलिया सैनिकों की संख्या अधिक होने के कारण रूसी कमजोर पड़ने लगते हैं और एक एक करके सभी रूसी सैनिक मंगोलियों के हाथों मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। लेकिन इसमें कोलो व्रत बच जाता है और वो अपनी दोनों तलवारों से लड़ना चाहता था लेकिन कोलोव्रत एक बच्चा होता है इसीलिए मंगोलिया कमांडर खोस्ट्रोविल कोलोव्रत पर हमला नहीं करता है। फिर हम 13 साल बाद का सीन देखते हैं जहां कोलोव्रत अपने बेड पर सो रहा है और उसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं। कोलोव्रत उसी 13 साल पुरानी घटना का सपना देख रहा होता है और जब वो अचानक जागता है तो घबराने लगता है। वहीं अब कोलोव्रत को भूलने की बीमारी होती है और नाश्तिया जो कि अब कोलोव्रत की पत्नी होती है वो उसे समझाती है और बताती है कि 13 साल पहले मंगोलियों ने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था और अब तुम प्रिंस के बॉडीगार्ड हो और तुम सैनिकों को लड़ना सिखाते हो। फिर कोलोव्रत पूरे घर में टहलता है और धीरे धीरे उसे सब याद आ जाता है। आगे जिक्सर जो कि एक रूसी सैनिक होता है वो कोलोव्रत को बुलाने आता है और कहता है कि प्रिंस को हमारी जरूरत है क्योंकि कुछ अजनबी हमारे शहर की तरफ बढ़ते ही चले आ रहे हैं। आगे कोलोव्रत जिक्सर के साथ अपने प्रिंस यूरी के पास पहुँचता है और यूरी कोलोव्रत से सलाह मांगते हैं कि जो लोग घोड़े पर सवार होकर हमारी तरफ आ रहे हैं हमें उनके साथ क्या करना चाहिए। इस पर कोलोव्रत हमला न करने की सलाह देता है और इंतजार करने के लिए कहता है। वहीं जो लोग शहर की तरफ आ रहे होते हैं वो किसी दूसरे राज्य के प्रिंस और उनके साथ कुछ सैनिक होते हैं जो प्रिंस यूरी के पोते के नामकरण के जश्न में शामिल होना चाहते थे और जश्न का लुफ्त उठाना चाहते थे। आगे कोलोव्रत सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा होता है तभी यूरी का बेटा फेडर वहां आता है और फेडर के बेटे का ही नामकरण होने वाला था। फिर कोलोव्रत फेडर से अपना कौशल दिखाने के लिए कहता है लेकिन फेडर को लड़ना कम आता था और वो अपनी बेइज्जती कराकर वहां से चला जाता है। इसके बाद कोलोव्रत सैनिकों को ट्रेनिंग देने के बाद शाम को अपने घर लौटता है और अपनी पत्नी नाश्तिया के लिए एक बांसुरी और अपने बच्चे के लिए खिलौने वाला हाथी ले जाता है। इधर नाश्तिया थोड़ा रोमांस करना चाहती थी और वो कोलोव्रत के सामने बिना कपड़ों के खड़ी हो जाती है। तभी उसकी नौकर उसे आवाज देती है और नाश्तिया कपड़े पहनकर बांसुरी को एक बॉक्स में रख देती है। फिर कोलोव्रत उस बॉक्स को खोल कर देखता है कि उसमें तो दर्जन बांसुरियां हैं क्योंकि कोलोव्रत को भूलने की बीमारी होती है और वो रोज एक नई बांसुरी अपनी पत्नी के लिए लाता था। आगे फेडर के बच्चे का नामकरण का ऐलान हो रहा होता है और सभी लोग एक चर्च में होते हैं। तभी एक सैनिक खबर देता है कि मंगोल बहुत बड़ी सेना लेकर हम पर हमला करने आ रहे हैं और फिर सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और छुपने के लिए जगह ढूंढते हैं। वहीं कोलोव्रत पुजारी और यूरी बच्चे को आशीर्वाद देकर तुरंत एक बैठक का ऐलान करते हैं। अब मंगोलियों की भारी सेना आते देखकर सब बहुत घबरा जाते हैं और कोलोव्रत सैनिकों को शहर के अंदर घुसने वाले सभी दरवाजों को बंद करने के लिए कहता है और सभी बाहर जाने वाले दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वहीं यूरी अपने मंत्रियों के साथ एक सभा में होते हैं और यूरी के बेटे फेडर का मानना होता है कि हमारी रूसी सेना मंगोलियों से रक्षा करने में सक्षम है लेकिन मंत्रियों का ये मानना होता है कि हमें हथियार डाल देने चाहिए और शहर को लुटा देना चाहिए, इससे हमारी जान बच जाएगी और हमारे लोग भी। फिर यूरी फैसला लेते हैं कि अगर हमें थोड़ा और समय मिल जाए तो हम अपने पड़ोसी राजाओं से मदद मांग सकते हैं और इसके लिए यूरी अपने बेटे फेडर और उसके साथ अच्छे गार्ड्स को भेजना चाहता था ताकि ये लोग दूसरे मंगोलिया राजाओं को उनकी मदद के लिए मना लें। वहीं कोलोव्रत बाहर अपने शहर की स्थिति जानने के लिए घूम रहा होता है तभी एक आदमी जिसका नाम जकर होता है वो कोलोव्रत से कहता है कि तुम मुझे शहर से बाहर भेज दो और मैं तुम्हें एक ऐसी दवाई दूंगा जिससे तुम अपनी पत्नी को खुश कर सकते हो। लेकिन कोलोव्रत ये जानता था कि शहर घिरा हुआ है और बचने की उम्मीद बहुत कम है इसीलिए वो ऐसा करने से मना कर देता है। फिर कोलोव्रत को राजा से आदेश मिलता है कि उसे अपने आदमियों को इकट्ठा करना चाहिए और फेडर के साथ मंगोलियन से बात करने के लिए जाना चाहिए। आगे कोलोव्रत यूरी के पास बैठा होता है और बताता है कि मेरे भूलने की बीमारी के कारण मुझे प्रिंस फेडर के साथ नहीं जाना चाहिए और कोलोव्रत राजा यूरी से एक बार फिर से सोचने के लिए कहता है लेकिन यूरी कोलोव्रत पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे इसलिए यूरी अपना फैसला नहीं बदलते हैं। अब सभी सैनिक गेट पर इकट्ठा होते हैं और कोलोव्रत जकर को भी अपने साथ ले जाना चाहता था क्योंकि जकर को मंगोलियन भाषा आती थी और जकर एक ट्रांसलेटर की तरह उनकी मदद कर सकता था। फिर नाश्तिया और कोलोव्रत के बच्चों से मिलने आते हैं और नाश्तिया अपनी नौकरानी लाडा को भी कोलोव्रत के साथ भेजती है ताकि भूलने पर लाडा कोलोव्रत को याद दिलाने में मदद कर सके। फिर आगे प्रिंस फेडर कोलोव्रत
सेनापतिगत जिक्सर और बाकी सैनिकों के साथ मंगोलियन कैंप में पहुंच जाते हैं और मंगोलियन राजा बटू खान को झुककर सलाम करते हैं। वहीं बटू खान जो चंगेज खान का नाती था वो एक बहुत बड़े नक्शे के आगे बैठा होता है और प्रिंस फेडर उसको कुछ गिफ्ट करते हैं जैसे सोना चांदी और बटू खान उनको बैठने के लिए कहता है। अब बटू खान कहता है कि जो उसे सलाम करता है वो उसकी दावत में कोई कमी नहीं रखता। इस पर फेडर कहता है कि वो बटू खान को घुटनों पर देखना चाहता है। अब ये सुनकर बटू खान गुस्से में आ जाता है, लेकिन वहीं कोलोव्रत सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है और बटू खान से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। तो बटू खान कहता है कि हम अपने सैनिकों की वीरता और उनके साहस को देखने के लिए आपसे युद्ध करने आए हैं और अपना पहला जीता हुआ रूसी शहर रियाजन को बनाना चाहते हैं। इस पर कोलोव्रत उन्हें बताता है कि रियाजन को केवल एक ही शर्त पर जीता जा सकता है, जब रियाजन के सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया जाए। इस बात पर बटू खान कोलोव्रत के साहस का सम्मान करता है और उसे वापस जाने के लिए एक पत्र और एक ताबीज देता है जो मंगोलियन कैंप से सुरक्षित निकलने की चाबी होती है, और उस पत्र और ताबीज को देखकर कोई भी मंगोलिया सैनिक उन पर हमला नहीं करेगा। फिर शाम को बटू खान कोलोव्रत वेडर और उनके साथियों को एक दावत पर बुलाता है, पर तभी मंगोलिया सैनिक रूसियों पर हमला कर देती है और सभी रूसी सैनिक वहां से भागने लगते हैं। लेकिन भागते वक्त प्रिंस फेडर के पीठ पर तीर लग जाता है और वो कोलोव्रत और बाकी सैनिकों को वहां से भगा देता है और खुद मंगोलियन से लड़ते हुए मारा जाता है। अब बचे हुए रूसी सैनिक जंगल की तरफ भागने में कामयाब हो जाते हैं और जब वो काफी दूर निकल आते हैं तभी उन्हें तेज चल रहे तूफान का सामना करना पड़ता है। लेकिन तभी नेस्टर अपने भालू के साथ उन्हें दिखाई देता है। वो रूसियों से भालू से न डरने के लिए कहता है और बताता है कि मेरा भालू कभी रूसियों को अपना भोजन नहीं बनाता है और मैं आप लोगों की मदद के लिए आया हूँ। फिर नेस्टर उन्हें एक बहुत बड़ी सी गुफा में ले जाता है और सभी उस गुफा में सो रहे होते हैं। आगे जब तूफान शांत होता है तो सब जंगल के रास्ते वापस रियाजन आते हैं, लेकिन जब वो रियाजन आते हैं तो देखते हैं उन्हें काफी देर हो चुकी है और मंगोल पहले से ही रियाजन बर्बाद करके जा चुका है। ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और बचे हुए लोग कहीं छुपे थे। वहीं यहाँ का राजा यूरी भी मारा जा चुका था और नाश्टिया और कोलोव्रत के बच्चे भी मर चुके थे। अब बस कोलोव्रत और उसके बचे हुए साथी ही जिंदा थे, जो लगभग 2 दर्जन लोग थे। वो सभी टूटी हुई घंटी को फिर से टांग देते हैं और घंटी बजाई जाती है ताकि बचे हुए लोग सामने आ सकें। तभी एक आदमी भागता हुआ आता है और बताता है कि बचे हुए लोगों को मंगोली सेना फिर से मारने के लिए आ रही है। अब मंगोलों से निपटने के लिए कोलोव्रत एक योजना बनाता है और वो सभी को छुपने के लिए कहता है और खुद एक बड़ी घंटी के नीचे खड़ा हो जाता है और खुद को पकड़वाने का नाटक करता है। और जैसे ही मंगोली सैनिक उसके पास आते हैं कोलोव्रत अपनी दोनों तलवारों से उन पर हमला करता है। वहीं मंगोली सैनिकों को संभलने तक का वक्त नहीं मिलता और कोलोव्रत चुटकियों में मंगोलियों की कई सैनिकों को मार गिराता है। और जब मंगोली सैनिक की संख्या कम हो जाती है तो सभी छुपे हुए रूसी बाहर आ जाते हैं और मंगोली सेना की टुकड़ी को मार डालते हैं। आगे कोलोव्रत मंगोलों से निपटने के लिए एक योजना बनाता है और जिंदा बचे सभी बच्चों को नेस्टर की गुफा में भेजने का इंतजाम करवाता है और अपने 3 आदमियों को 3 पड़ोसी राज्यों को चेतावनी देने और उनको अपने साथ लड़ाई में मिलाने के लिए भेजता है। वहीं जकर एक ऐसी औषधि तैयार करता है जिसे वो मंगोलियों के कैंप में घुसकर सैनिकों को पिलाने वाले पानी में मिला देता है, जिससे सैनिकों की तबीयत खराब हो जाती है। अब कोलोव्रत उस पत्र को भी फाड़ देता है जो उसे बटू खान ने दिया था और कोलोव्रत एक तीर मंगोलियन कैंप में फेंक देता है, जिससे कुछ मंगोलियन सैनिक कोलोव्रत और उसके साथियों को मारने के लिए आते हैं। लेकिन कोलोव्रत पहले से ही वहां पर जाल बिछा के रखता है और मंगोली सैनिकों की टुकड़ी को खत्म कर देता है। वहीं कोलोव्रत पिछले 3 दिनों से सोया नहीं होता है और वो एक पेड़ के नीचे अपना कैंप लगाकर सो जाता है। फिर रात को लाड़ा कोलोव्रत को उठाती है और उसे कुछ खाने के लिए देती है, लेकिन अब कोलोव्रत सब कुछ भूल चुका होता है। लाड़ा कोलोव्रत को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन कोलोव्रत अपने सैनिकों के ऊपर ही हमला कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद कोलोव्रत को होश आता है और वो अपने सभी सैनिकों से माफी मांगता है। आगे कोलोव्रत द्वारा भेजे गए सभी आदमी अलग अलग राज्य से मदद मांगने जाते हैं, लेकिन उन्हें सभी जगह से मना कर दिया जाता है और उन्हें कहीं से भी मदद नहीं मिलती है। वहीं कोलोव्रत द्वारा भेजा गया एक आदमी घायल हो जाता है और उसका घोड़ा उसको रास्ते से भटका देता है, जिससे उसे मंगोली सैनिक पकड़ लेते हैं। अब फिर रात में कोलोव्रत और उसके साथी अपना हुलिया बदलकर मंगोली सैनिकों के कैंप में घुस जाते हैं। अब मंगोलिया सैनिकों को लगता है कि कैंप में जंगल की बुरी आत्माएं हैं और वो बहुत बुरी तरीके से कैंप को बर्बाद करने लगते हैं। वहीं कोलोव्रत एक तीर में उसके लेटर को लपेट कर वहीं छोड़ देता है और मंगोलिया राजा बटू खान समझ जाता है कि ये सब किसने किया है। वहीं मंगोलों ने कोलोव्रत के एक आदमी को पकड़ रखा था जो बहुत ही घायल था और रास्ता भूल गया था। मंगोली सैनिक और उसका राजा बटू खान उस सैनिक को बहुत परेशान करते हैं। वहीं कोलोव्रत और उसके साथी जंगल में छिपे हुए होते हैं और रात को जब कोलोव्रत सोने के लिए जाता है तो लाडा उसके बगल में लेट जाती है और कोलोव्रत के
जागने पर नाश्तिया बनने का नाटक करती है, लेकिन कोलोव्रत पहले से ही जाग रहा होता है और वो लाडा को गले लगा लेता है। अब सुबह कोलोव्रत जंगल में जाता है और उसे वहाँ अपने आदमी की लाश मिलती है, लेकिन ये एक जाल होता है और कोलोव्रत मंगोली सैनिकों के बीच में फंस जाता है। वहीं लाडा भी कोलोव्रत का पीछा करती हुई वहाँ पहुँच जाती है और जब वो कोलोव्रत को मंगोली सैनिकों से घिरा हुआ देखती है तो वो वापस अपने कैंप की तरफ आकर लोगों से मदद मांगती है। इधर कोलोव्रत जब सैनिकों के बीच घिरा होता है तो अचानक एक तूफान आता है जिससे मंगोली सैनिकों को बहुत दिक्कत आती है और मंगोली कमांडर खोस्ट्रोविल कोलोव्रत पर पहले जैसा ही हमला करता है जैसे उसने बचपन में किया था, लेकिन इस बार कोलोव्रत अपनी तलवार से उसके हमले से बच जाता है। और तब तक वहाँ नेस्टर का भालू आ जाता है जो मंगोली सैनिकों को खाना शुरू कर देता है। तब तक लाडा भी अपने साथियों के साथ आ जाती है जिससे सभी मंगोली सैनिक वहाँ से भाग जाते हैं। अब मंगोली सैनिकों के कैंप में ये बात फैल जाती है कि कोलोव्रत कोई आम आदमी नहीं है, वो तूफान और भालू को अपनी उंगलियों पर नचाने का साहस रखता है। वहीं मंगोली राजा बटू खान इससे हैरान होता है और बताता है कि इन बातों पर विश्वास ना करो, और बटू खान अपनी सेना के साथ कोलोव्रत और उसके साथियों के पीछे उनसे युद्ध लड़ने के लिए जाता है। अब कोलोव्रत ने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा था और बटू खान ने अपनी पूरी सेना को उसके पीछे लगा रखा था। वहीं नेस्टर और उसका भालू कोलोव्रत के साथ हो जाते हैं और पास के गाँव के कुछ लोग भी उनका साथ देने के लिए तैयार होते हैं। अब बाकी के लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि कैसे 12 लोगों ने इतनी बड़ी मंगोली सेना को परेशान करके रखा है। अब कोलोव्रत अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी लाडा और जिक्सर को देता है और उन्हें वहां से बिना पहियों वाली गाड़ी में भेज देता है ताकि नदी पर जाकर ये गाड़ी नाव का काम कर सके और बचे हुए लोग भविष्य में रियाजन को फिर से बचा सकें। फिर कोलोव्रत और उसके साथी युद्ध के लिए तैयारी स्टार्ट करते हैं और वो एक चोटी पर बैठकर मंगोलियों का इंतजार करते हैं। अब मंगोली अपनी पूरी सेना के साथ हमला करने आते हैं और उनका पहला हमला असफल रहता है क्योंकि रूसी सैनिक पूरी योजना के साथ चोटी पर बैठे थे। इधर जिक्सर लाड़ा के साथ उन अनाथ बच्चों को सुरक्षित जगह ले जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे बहुत काटे हुए पेड़ दिखाई देते हैं और घोड़े के साथ गाड़ी को निकालना मुश्किल होता है, तो वो लोग घोड़े को गाड़ी से अलग कर देते हैं और लाड़ा और जिक्सर खुद ही गाड़ी को खींचते हैं और आगे की ओर चलने लगते हैं। दूसरी तरफ मंगोली सैनिक तीरों से कोलोव्रत और उसके साथियों पर हमला करते हैं, साथ ही धीरे धीरे मंगोली सैनिक ऊंचाई पर चढ़ते हैं, लेकिन इस तीरबाजी में जकर और नेस्टर की मौत हो जाती है। वहीं कोलोव्रत मंगोलिया सेना के कमांडर खोस्ट्रोविल को मौत के घाट उतार देता है, लेकिन अब धीरे धीरे रूसी सैनिक भी कमजोर पड़ने लगते हैं, पर वो उस चोटी की रक्षा करते हैं ताकि मंगोली सेना उस चोटी को पार करके बच्चों को खत्म न कर सके। अब युद्ध में सभी रूसी सैनिक बहुत ही हिम्मत से लड़ते हैं और हार नहीं मानते और चोटी पर अपना झंडा लहरा देते हैं। फिर जब मंगोली राजा बटू खान को बताया जाता है कि हमारे सैनिक मर रहे हैं तो वो रूसी सैनिकों से पूछने के लिए कहता है कि उन्हें क्या चाहिए है। इस पर कोलोव्रत बटू खान को जवाब देता है कि तुम लोग यहाँ बिना बुलाए आए हो, आओ हमें मारो और आगे बढ़ो। फिर बटू खान अपनी बड़ी गुलेर जैसी मशीन से रूसियों के ऊपर आग के गोले बरसाता है और सभी रूसी सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन कोलोव्रत जिंदा बच जाता है और बहुत बुरी तरीके से घायल होता है। फिर कोलोव्रत नीचे बटू खान के पास वही ताबीज लेके आता है जो बटू खान ने उसे अपने कैंप में दी थी, और इस ताबीज को देखकर कोई भी मंगोली सैनिक कोलोव्रत पर हमला नहीं करता है, लेकिन घायल होने की वजह से कोलोव्रत जमीन पर गिर पड़ता है और ताबीज भी जमीन पर गिर पड़ती है। आखिरी में कोलोव्रत बटू खान से कहता है कि मेरे लोग तुमसे बदला जरूर लेंगे। फिर बटू खान ताबीज उठाने के लिए झुकता है, तभी कोलोव्रत यह कहते हुए मर जाता है कि उसने बटू खान को अपने घुटनों पर ला दिया। वहीं बटू खान कोलोव्रत की वीरता की प्रशंसा करता है और उसे सम्मान सहित दफनाने के लिए कहता है। फिर हमें आगे 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां खर खान जो नबारूट सेना का लीडर होता है वो कोलोव्रत की वीरता साहस और उसके बलिदान की कहानी सुनाकर अपने सेना का उत्साह बढ़ाता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। गुड बाय।